बापूजी मामा जी चाय पीएंगे आप? आई नो मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मे आई? तू कब से बोलने से पहले पूछने लगी? तो आज पूछ रही हूँ बा, बोलिए ना। कहूँ? बोलो। हमारा अपना बिजनेस सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा जितना हमारी अपनी फैमिली या हमारा अपना बच्चा सुनकर लगता है। मगर फैमिली हो, बिजनेस हो या बेबी, तीनों के साथ मुश्किलें भी बहुत सारी आती हैं। हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का बिजनेस हो और वो अपना बॉस खुद हो। रोज स्टार्टअप कंपनीज और छोटे बिजनेस शुरू होते हैं, जैसे कि बाहर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर, अंदर वाले कमरे में बुटीक, और जैसे छत पे ट्यूशन। लेकिन ये सारे बिजनेस रोज शुरू होते हैं तो रोज बंद भी होते हैं। मैं आप लोगों की तरह इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती है। इतना तो आप लोग भी मानते होंगे कि ये दोनों बिजनेसेस का चलने का चांस बहुत कम है। इसीलिए जब बिजनेस इतना रिस्की हो तब इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। पर अब तो जो भी पैसे थे, एफर्ट्स थे, सब इन्वेस्ट हो गए। हाँ, मगर एक इन्वेस्टमेंट अभी भी कम किया जा सकता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में हमने सब कुछ लगा दिया है, मगर प्लीज इस बिजनेस से कोई उम्मीद मत लगाइएगा। अगर ये बिजनेस चला तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं चला तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तुम सही कह रही हो काफिया। पर बेटा, कोई पूरे मन से काम करता है तो उम्मीद तो अपने आप लग जाती है। उम्मीद तो लगानी है बापूजी, बस इस उम्मीद को दिल से नहीं लगाना है, ताकि अगर भगवान ना करे ये उम्मीद टूट भी जाए तो कम से कम दिल तो ना टूटे। तुमने सही सलाह दी काव्या, सपने आसमान के देखो पर पैर जमीन पे रहने चाहिए, वरना कारखाने में ट्रबल। अबे ये क्या, ये कैफे कब खुल गया यहाँ पर? अरे भाई यही नहीं, सामने वो डांस एकेडमी भी है। जिसने भी ये कैफे और डांस एकेडमी खोली है ना, कल जब इसकी हालत देखेगा ना तो खुद ही इसको बंद करके चला जाएगा। बिल्कुल, चल वहाँ पे देखते हैं। अनुपमा डांस एकेडमी। डांस एकेडमी, चलो शुरुआत आंटी की पेंटिंग से करते हैं। बिल्कुल, असली पेंटिंग क्या होती है मैं दिखाता हूँ उसे। तू कौन है बे? थर्ड अंपायर बेटा। ए, यहाँ पे कोई मैच चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है ना। समर बेटा बैटिंग शुरू करो। भाग भाग। तू ठीक तो ना? अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुंच गए, वरना सब बर्बाद हो जाता। अक्सर ऐसी बंद बिल्डिंग्स और कारखानों में ड्रग्स अपना अड्डा बना लेते हैं, इसलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए थे। सीसीटीवी कैमरा तो बहुत महंगा था बेटा। मैंने सीसीटीवी कैमरास खरीदे नहीं, मेरे दोस्त के पास कुछ स्पेयर कैमरास पड़े थे तो मैंने वो लगवा दिए और फोन से कनेक्ट कर लिए। थैंक यू बेटा। कैफे के लिए जगह देने से लेकर कैफे बनाने तक और आज इस कैफे को बचाने तक तेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और मैं तुझे लूजर समझता था, सॉरी। चल अब फटाफट घर चलते हैं, वरना वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं हम दोनों कहां चले गए। और हाँ सुन, घर में किसी को इस बारे में मत बताना। कल सबके लिए बहुत स्पेशल डे है, मैं नहीं चाहता किसी का मूड खराब हो। चल। कुछ है कितना अलग।
मुझे कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई और नई मेरी शुरुआत है नए सपने अंदर चले हाँ। अरे एक मिनट रिबन कटिंग के बिना अंदर कैसे जा सकते हैं आइए रिबन कटिंग के लिए किसी को बुलाया है क्या सबसे बड़े वीआईपी को दुनिया में सबसे स्पेशल है वो ओह शाहरुख खान को बुलाया है शाहरुख और काजल दोनों को बुलाया है मतलब बाप और बापूजी उद्घाटन आप दोनों ही करेंगे अरे पर डांस एकेडमी तो अनुपमा की और कैफे तो तेरा है पर हम तो आपके हैं ना बा चलिए एक मिनट जीजा जी एक मिनट सबसे पहले ना आप यूं दो हाथ फैलाइए कीजिए कीजिए देखें हमारे शाहरुख और काजल अरे एक मिनट पहले कैफे का भी तो उद्घाटन करना है हाँ